रिहन की रसोई 100% वेज आज अपने घर संडे में बना रही है नाश्ता, या आप इसे लंच भी कह सकते हैं, क्योंकि छुट्टियों में तो हर काम लेट ही होता है, लेट से उठना, लेट से नाश्ता, चाय, हर चीज देर से। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो खत्म होने के बाद उसे लाइक और शेयर करें। जैसा आप देख रहे हैं, एक भारी तली की कढ़ाई में मैंने चढ़ा रखा है गरम करने के लिए तेल। ये मस्टर्ड ऑयल है, यानी कि सरसों का तेल या कड़वा तेल, आप जो भी तेल यूज करना चाहें वो यूज करें। मैं बना रही हूँ कद्दू यानी कि पंपकिन की सब्जी। तो ये तेल हमारा गरम हो चुका है। अब मैं इसमें एक छोटा चम्मच मेथी दाना डालूंगी और जैसे ही मेथी चटकने लगेगी मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन छोटा, आधा छोटा चम्मच बारीक कटी हुई अदरक। इन सारी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे और जैसे ही ये मिक्स हो जाएंगी हल्के से सोटे, बस इसमें मैं डाल दूंगी एक छोटा चम्मच जीरा। फिर चला लेंगे अच्छी तरीके से और एक मीडियम साइज का प्याज है बारीक कटा हुआ, इसे मैं मिक्स कर दूंगी। और इन सारी चीजों को हमें बहुत ज्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा गुलाबी होने देना है। जब तक ये गुलाबी हो रही मैं आपको बता दूं कि ये मैंने लिया हुआ है कद्दू, ये लगभग 1 किलो कद्दू मैंने लिया था और इसको मैंने छील लिया, यानी कि ये छिलका हटा दिया छील करके। ये जो बीच में इसमें ये बीजे वगैरह होते हैं ये भी हटा दिया। तो ये छीलने के बाद, काट साफ करने के बाद 1 किलो में से ये इतना कद्दू बचा हुआ है। तो ये हमारी ये प्याज देखिए, ये लाल हो गई है, हल्की गुलाबी, बहुत ज़्यादा भूनना भानना नहीं है। आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो इस सब्जी में आलू भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं बिना आलू के भी बना रही हूँ। तो ये देखिए, बहुत ज्यादा पकानी नहीं है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी धनिया पाउडर, ये एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर है। साथ ही मैं इसमें डालूंगी छोटा चम्मच चौथाई हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, आप इसमें अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालिएगा जितना आप पसंद करते हो। और इन सारी चीज़ों को भी मैं मिक्स कर लूँगी। ये बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही टेस्टी बनता है कद्दू। हम तो बराबर कहते हैं, हमारा मकसद है अरिहन की रसोई का कि हर वेज रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से आप सभी तक पहुँचाना। हमारा चैनल मेनली उन्हीं लोगों के लिए है जो कुकिंग में एक्सपर्ट नहीं है, सीख रहे हैं और वेज हैं, प्योर वेज। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से भून गई हैं। साथ ही जब तक ये भून रहा है मैं आपको बता दूं कि मैंने एक ये मैंगो कैरी, कच्चा आम या रॉ मैंगो, अमिया जो आप कहते हो, लिया है। इसको मैं छील लूँगी और छीलने के बाद इसके छोटे छोटे पीस कर लूँगी और जब हमारी कद्दू की सब्जी लगभग 80% तक पक जाएगी तब मैं उसमें इसे एक छोटा चम्मच ऐड करूंगी, उसके पहले नहीं। 80% सब्जी पकने के बाद एक छोटा चम्मच मैंगो कैरी के पीसेस मैं ऐड कर दूंगी। तो ये हमारी सारी चीज़ें अच्छी तरह से, अब ये सारा कद्दू हम इसमें मिक्स कर देंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये मैं लटपटी कद्दू की सब्जी बना रही हूँ, इसीलिए कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अगर थोड़ी रसे वाली बनाना चाहें तो कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कढ़ाई में ही ज़्यादा पानी ऐड करके रसेदार बना सकते हैं। ये देखिए, ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं।
अब इसमें आप अपने स्वाद के हिसाब से नमक मिलाइए। मैं एक चम्मच नमक इसमें ऐड कर रही हूँ और इन सारी चीज़ों को हम जरा एक मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेते हैं। और ये सब्जी हमारी एक से दो मिनट भून गई है। अब इसमें मैं बहुत थोड़ा सा नाम मात्र का पानी, लगभग दो बड़े चम्मच पानी में मिक्स करूंगी, बस बहुत हल्की सी लटपटी ये सब्जी। और अब हम इसे ढक करके जब तक कि 80% तक कुक नहीं हो जाती, कुक होने देंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया जैसे कि मैं इसमें मैंगो कैरी के पीसेस मिलाऊंगी। देखिए ये जो है हमारी सब्जी 80% तक कुक हो गई है। इसमें एक चम्मच जैसा मैंने आपको बताया था ये मैंगो का कैरी या कच्चा आम, और ये बारीक कटा हुआ फ्रेश मिंट लीव्स, इसको डाल के अब मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। और इन सारी चीज़ों को जैसे मैंने बताया था, अभी इसको कुछ देर और पकना है, तो हम इसको कुछ देर और वापस ढक करके इसी तरीके से पकने देंगे। अब इसके साथ मैं सर्व कर रही हूँ रायता। एक तो रायता मैं बना रही हूँ, प्याज का रायता। इसके लिए देखिए मेरे पास एक घर का जमा एकदम ताज़ा गाढ़ा दही है, और मैं दो परत की रोटियाँ सर्व करने वाली हूँ। तो इसके लिए ये गेहूँ का आटा है एकदम सिंपल, जो हम रोज़ अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं रोटियाँ बनाने के लिए। तो इस आटे में बिना कुछ भी डाले हम इसे पानी की मदद से गूंद लेंगे। अब इस दही में मैं ये बारीक कटी प्याज मिक्स कर दूंगी। एक प्याज ली है मैंने मीडियम साइज़ की। दही की मात्रा आप देख रहे हैं, एक बड़ी कटोरी। दही हमेशा ताज़ा, बिल्कुल ताज़ा, मीठेपन के स्वाद वाला इस्तेमाल करा करिए रायता बनाने में। मैं दही से जुड़ी बहुत सारी बातें आपके साथ एक वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये मैंने कुछ फ्रेश मिंट लीव भी डाल दी, और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और इसे मैं निकाल लेती हूँ एक ही कटोरी में। ये झटपट से निकाल लीजिए, ये पूरी एक बड़ी कटोरी रायता है। अब इस पे हम लगाएंगे एक तड़का। तो तड़का लगाने के लिए ये देखिए तेल मेरा गर्म हो गया है, गैस को बंद कर दीजिएगा, वरना सारा कुछ तुरंत जल करके हो जाएगा राख, स्वाद हो जाएगा खराब। इसमें एक चम्मच जीरा, थोड़ी सी ये दो लाल मिर्च और एक करी ली। झटपट से देखा गैस मैंने बंद कर रखी है, वरना सब कुछ जल जाता है, जलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो ये हमारा तड़का तैयार हो गया है, कितना सुंदर। अब मैं इसमें कुछ ये बारीक ग्रीन कटी हुई चिल्ली भी डालूंगी रायते में, ये ऑप्शनल है। वैसे अच्छी लगती है, मुंह में जब इसका स्वाद आता है तो बहुत टेस्टी लगता है। और हम इसके ऊपर डाल देंगे ये तड़का। ये देखिए कितना खूबसूरत सा ये तड़का हमारा, हम इसके ऊपर ये डाल देंगे। और साथ ही जो हमारी कद्दू की सब्जी पक चुकी है, तो कद्दू की सब्जी के ऊपर भी हम ये कुछ तड़का डाल देंगे थोड़ा सा। ये हमारी कद्दू की सब्जी, ये प्याज का रायता। अब मैं इसके साथ सर्व करने के लिए बनाऊंगी ये दो परत की रोटियां। तो दो परत की रोटियां बनाने के लिए मैंने गैस पे, आप देख सकते हैं, चढ़ा दिया है तवा। ये आटा हमारा गूंद गया है, और इसकी हम ये दो इस तरीके से ये छोटी छोटी दो लोई ले लेंगे। और इसको इस तरह से हम गोल कर लेंगे। ये अब हम इसमें ये दोनों लोइयों में सूखा आटा लगाएंगे इस तरीके से, हाथ की मदद से।
थोड़ा सा इन्हें मैं फैला लूंगी। ये देखिए इस तरह से हाथ की मदद से ये मैंने इन्हें फैला लिया अच्छी तरीके से। तो ये लोई देखिए मैंने इस तरीके से हाथ से दोनों ये बड़ी कर ली है थोड़ी सी। अब इस पे मैं ये घी लगाऊंगी, प्योर घी है ये, तो ये प्योर घी लगा दीजिएगा। इसके बाद थोड़ा सा ये सूखा आटा इस तरह से करके हम इसे बेल लेंगे। ये दोनों रोटियां एक साथ, ये दो परत की रोटियां, ये दोनों एक साथ हम बेल लेंगे। ये एक साथ दो रोटियां बन जाती हैं, सर्व करने में आसानी होती है झटपट से अगर आप अकेले बनाने वाली हैं तो। तो ये देखिए ये हमारी ये रोटियां बेल गई हैं। अब मैं इसे तवे पर डाल देती हूँ सिकने के लिए। ये इसी तरह तवे पर ही सिकेगी, नीचे नहीं सेकते हैं। देखिए इसमें ये बबल से आने लगे हैं, इसका मतलब ये रोटी सिकना शुरू हो गई है और इसे हम नीचे बिल्कुल भी नहीं सेकेंगे। ये देखिए पूरे में बबल आ रहे हैं, हम इसे पलट लेते हैं। तो ये देखिए ये इसमें धब्बे से पड़ गए हैं जो पड़ते हैं रोटी सेकने में। ये कितनी अच्छी सिक रही है आप देख सकते हैं। ये देखिए ये इस तरफ से भी सिक गई है, ये देखिए। तो दोनों तरफ से ये रोटी हमारी सिक गई है, दो परत की रोटी बहुत ही अच्छी ये बन गई है। अब हम इसको नीचे निकाल लेते हैं ये, और देखिए ये झटपट से खुल जाएगी। ये देखिए ये देखिए बहुत आसानी से खुलेगी ये, और ये बिल्कुल कच्ची नहीं है जैसे हमारे पराठे अंदर से होते हैं, ये बिल्कुल उसी टाइप से है। तो ये दो परत की रोटियां हमारी, ये इसे फोल्ड करके इस तरीके से ये सर्व करिए। तो ये हमारी नाश्ते की थाली पूरी तरह से तैयार है, जिसमें ये दो परत की रोटियां हैं, ये कद्दू की सब्जी, ये प्याज का रायता। रायते में खाने से पहले ही नमक मिलाइएगा, पहले से मिला के कभी मत रखिएगा। और ये है कच्चे आम की मीठी चटनी, जिसे मैंने गुड़ के साथ बनाया है। ये चीनी के साथ भी बनती है। अगर आप ये बनाना सीखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने इंस्टाग्राम का और फेसबुक पेज का लिंक बराबर देती हूँ, तो आप वहाँ जा करके इसे बनाना सीख सकते हैं देख करके। तो ये हमारी थाली पूरी तरह से तैयार है। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी, ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हेल्थ इज हैप्पीनेस। नमस्कार।